इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अच्छा, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स से क्या समझ में आता है, नाम से क्या समझ? सर आधे आधे अधूरे रिकॉर्ड्स क्या मतलब? अधूरे क्या मतलब रिकॉर्ड्स तो कौन पूरे ना पूरे एंट्री मिस नाम? हो गई हो। नहीं, एंट्री मिस होना तो वो तो एक ऑमिशन है ना। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की बात हो रही है, इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब है कि आपके पास कुछ चीजों का रिकॉर्ड है, कुछ चीजों का रिकॉर्ड नहीं। ठीक है, कुछ चीजों का कि अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, कुछ चीजों के अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं, ये है। अच्छा, रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट ना होने की क्या रीजन हो सकती है? किसी बिजनेस के रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट होने की क्या रीजन हो सकती है? जैसे आपके पास कैश बुक है, पेटी कैश बुक नहीं है, सेल्स डे बुक है, सेल्स डे बुक नहीं है, इस तो देखिए, एक रीजन तो ये होती है रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट होने की कि आपने स्टार्ट से ही प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन ना किया। जैसे अगर एक बात करें किसी जनरल स्टोर, मेडिकल स्टोर की, क्या ये लोग प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं? नहीं, इनके पास तो एक रजिस्टर होता है जिसमें क्रेडिट रिकॉर्ड हो रहा होता है ना, सबके अकाउंट खुले होते हैं, क्रेडिट का रिकॉर्ड रखते हैं। तो राइट, अच्छा, रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट ना होने की एक रीजन तो होगी कि आपने स्टार्ट से ही प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया। सेकेंड रीजन क्या हो सकती है कि रिकॉर्ड्स आपके इनकम्प्लीट हैं, लेकिन किसी वजह से आपका डेटा लॉस हो गया, रिकॉर्ड आपके लॉस। जैसे फॉर एग्जांपल, आग लग गई, फाइल अच्छा आपकी जल गई, रिकॉर्ड जल गया, मैनुअल रिकॉर्डिंग हो रही थी। अच्छा, कंप्यूटराइज रिकॉर्डिंग है, फाइल आपकी करप्ट हो गई, वायरस आ गया। ठीक, अच्छा, इसके अलावा या फ्लड आ गया, रिकॉर्ड बह गया आपका, या आप कंप्यूटराइज सिस्टम था, आपका लैपटॉप या कंप्यूटर चोरी हो गया। राइट, तो इन रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट होने के कई रीजन इसका मतलब हो सकती है कि आपने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया और मेंटेन कर रहे थे, किसी वजह से आपका रिकॉर्ड लॉस। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब हमारा रिकॉर्ड है इनकम्प्लीट, किसी भी वजह से रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट हैं। अच्छा, ईयर एंड हुआ, ईयर एंड पे हमें प्रॉफिट लॉस फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे आप? क्योंकि प्रॉफिट लॉस की हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट, और इनकम स्टेटमेंट बनता है जब आपके पास रिकॉर्ड्स कंप्लीट। तो ये चीज हम इसमें पढ़ेंगे इस टॉपिक में कि अगर आपके रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट हैं तो फिर आप प्रॉफिट लॉस किस तरह कैलकुलेट करेंगे अपना? नहीं कैलकुलेट करेंगे ना। और सेकंड, हम ये पढ़ेंगे इसमें कि जो रिकॉर्ड आपका लॉस हो गया तो वो फिगर्स किस तरह फाइंड की जाए। जैसे सेल्स डे बुक आपकी लॉस हो गई, आप टोटल सेल्स कैसे फाइंड करेंगे, टोटल परचेज कैसे फाइंड होंगी, रिसिप्ट्स, पेमेंट्स, ये सब चीज। दो चीजें हम पढ़ेंगे। अच्छा, पहले हम बात करेंगे प्रॉफिट लॉस की, कि प्रॉफिट लॉस किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मिसिंग फिगर्स या मिसिंग रिकॉर्ड किस तरह फाइंड कर। अच्छा, इसमें नया तकरीबन कुछ भी नहीं है, तकरीबन सब चीजें पुरानी है, उन्हीं को हमने एक नए स्टाइल में पढ़ना है। पुरानी चीजें सब रिपीट होंगी। अच्छा, पहले हम बात करेंगे प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन की, कि प्रॉफिट लॉस किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा जब आपके रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट ना। अच्छा, प्रॉफिट लॉस के लिए हम फिर एक इक्वेशन यूज करते हैं, जैसे हम कहते हैं बिजनेस इक्वेशन, और ये बिजनेस इक्वेशन को यूज करते हुए हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बिजनेस इक्वेशन क्या होती है? पी इक्वल्स टू आई प्लस डी माइनस सी, इसके फुल फॉर्म लिखते हैं। पी तो हो गया आपका प्रॉफिट लॉस, आई चेंज इन नेट एसेट्स, इक्विटी और कैपिटल, बाद बी ड्राइंग्स हो गई, और सी पावर कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर और एडिशनल इन्वेस्टमेंट, एडिशनल फर्दर। हाँ, जैसे आपने 1 लाख से बिजनेस शुरू किया और फिर कुछ टाइम के बाद 50,000 आपने फर्दर इन्वेस्ट किए, तो वो आपकी एडिशनल इन्वेस्टमेंट। अच्छा, नेट एसेट्स याद है? नेट एसेट्स क्या होते हैं, किसके इक्वल होते हैं नेट एसेट्स? करंट नहीं, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, अकाउंटिंग इक्वेशन याद है? और जिसको कैपिटल के लिए अरेंज करें तो ये बन जाएगी कुछ कैपिटल इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी, और एसेट माइनस लायबिलिटीज के डिफरेंस को नेट एसेट्स भी कहते हैं। तो इसका मतलब आप ये लिख सकते हैं, नेट एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल इक्वल्स टू इक्विटी। अगर क्वेश्चन में ये नेट एसेट्स का वर्ड यूज हो, टर्म यूज हो, कैपिटल की टर्म यूज हो या इक्विटी की टर्म यूज हो, बात
वैसे तो देखिए इक्विटी में कैपिटल आता है, कैपिटल जो इक्विटी का पार्ट है। इक्विटी में क्या क्या आता है? कैपिटल, प्रॉफिट, एडिशनल इन्वेस्टमेंट और ड्राइंग्स आते हैं। क्वेश्चन में वो आपको कैपिटल भी दे देता है, कभी इक्विटी का वर्ड यूज करता है, कभी नेट एसेट्स का, तो बात एक ही होगी। अच्छा, कि बिजनेस इक्वेशन और अकाउंटिंग इक्वेशन। अच्छा, ये जो बिजनेस इक्वेशन है, बिजनेस इक्वेशन इसको हम ड्राइव करते हैं, तो ये आपको क्लियर हो जाएगी और आपको याद भी आ जाएगा, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। बिजनेस इक्वेशन ये ऊपर वाली पीआईडी से इसको ड्राइव करते हैं अभी, तो ये आपको क्लियर हो जाएगी। एक हमने बिजनेस स्टार्ट किया, 1 लाख के इन्वेस्टमेंट की। अच्छा, कुछ टाइम के बाद एडिशनल इन्वेस्टमेंट की हमने 3000 की। ईयर एंड पे प्रॉफिट हुआ 30,000 का, और ड्यूरिंग द ईयर हमने ड्रॉइंग्स की 20,000। ईयर एंड पे कैपिटल आपका हो जाएगा 1,60,000। अच्छा, इस स्टेटमेंट को इक्वेशन फॉर्म में लिखे तो इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन को जिस तरह बने, ठीक है। इस इक्वेशन से हम कोई भी मिसिंग फिगर फाइंड कर सकते हैं, कोई वैल्यू भी अगर मिसिंग है तो फाइंड हो सकती है। अगर हम इसको ड्राइव करते हैं प्रॉफिट के लिए, इक्वेशन क्या बनेगी? कि अभी कैपिटल एट स्टार्ट लेफ्ट पे जाके माइनस होगा, एडिशनल इन्वेस्टमेंट लेफ्ट पे जाके माइनस, ड्रॉइंग्स लेफ्ट पे जाके प्लस। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी। प्रॉफिट के लिए ड्राइव कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, तो प्रॉफिट के लिए इक्वेशन कुछ ये हो जाएगी, कैपिटल एट एंड माइनस कैपिटल एट स्टार्ट प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल। अच्छा, अब ये इक्वेशन है, यही वो इक्वेशन है जिसे हम अगर सिंबल्स के फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगी पीआईडी। देखिए, नेट प्रॉफिट है, पी हो गया, कैपिटल एट एंड माइनस कैपिटल एट स्टार्ट, चेंज इन कैपिटल आ जाएगा, ये हो गया आई, ड्रॉइंग्स डी, एडिशनल इन्वेस्टमेंट सी, ये आपकी बिजनेस पीआईडी। और ये ऊपर वाली क्वेश्चन हम एफ वन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैंने एफ वन में यहाँ तक आपको बताया। हाँ, जो भी वैल्यू आपको फाइंड करनी है उसके लिए आप अरेंज कर देते हो। तो मैथ्स में होता है इक्वेशन सॉल्व जिस तरह करते हैं, जो फाइंड करना है वो लेफ्ट ले जाते हैं, बाकी सब राइट पे आ जाती है चीजें आपके। सी में सी एडिशनल सी है, ठीक है। प्रॉफिट हुआ आपकी, कैपिटल एट एंड माइनस कैपिटल एट स्टार्ट, चेंज इन कैपिटल आई, ड्रॉइंग्स डी, एडिशनल इन्वेस्टमेंट सी, पूरी सीक्वेंस। ये भी कॉपी कर लें, आपको याद रहेगा अभी हमने किस। आप स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन रीड कर लें। फॉर्मूले से किए, इक्वेशन से किए। अच्छा, इसमें आपको दिया हुआ नेट एसेट्स एट स्टार्ट है, एंड है, ड्राइंग्स है, कैपिटल इंट्रोड्यूस है ना, सॉल्व। हाँ, क्वेश्चन वन, इक्वेशन है पी इक्वल्स टू आई प्लस डी माइनस। तो आई क्या है? चेंज इन कैपिटल, तो कैपिटल एट एंड या नेट एसेट्स एट एंड कितने हैं? 15,000 माइनस करेंगे नेट एसेट्स एट स्टार्ट 10,000, आई आ जाएगा, प्लस ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स कितनी है? 6,000, माइनस एडिशनल इन्वेस्टमेंट, तो ये दिया हुआ न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 4,000, 5,000 प्लस 6,000 माइनस 4,000, ये बताएगा 7,000। अच्छा, प्रॉफिट लॉस कैसे पता चलेगा? हाँ, पॉजिटिव है तो प्रॉफिट, नेगेटिव होगा तो लॉस। पॉजिटिव आंसर आ रहा है, प्रॉफिट हो गया आपका 7,000। एंड फाइनल स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट
एंड माइनस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू कैलकुलेट ट्रेडर्स कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज 16,500 and its capital at the end of the year was 11,350. Proprietors drawing for the year total 3,300 and no new capital was introduced. Question copy karte hain. I kya tha hamara capital at end minus capital at start. Capital at end is 11,350. माइनस कैपिटल एट स्टार्ट है 16,500. ड्रॉइंग्स कितनी है 3,300 और एडिशनल इन्वेस्टमेंट नो न्यू कैपिटल तो जीरो. डिफरेंस कितना है दोनों का 1850. आंसर नहीं कैपिटल एट एंड माइनस कैपिटल एट स्टार्ट का डिफरेंस. इन दोनों का डिफरेंस बता. और आंसर आ जाएगा माइनस 1850. ये हो जाएगा लॉस. नोट्स ब्रेक के बाद ठीक है दिया मैं ब्रेक के बाद नोट्स बांटेंगे. Question number three. Question number three. जिसमें क्या आपको पहले जनवरी 1 2004 एसेट्स लायबिलिटीज के बैलेंस ही है में और फिर दिसंबर 31 2004 एसेट्स लायबिलिटीज के बैलेंस यानी कि ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस ही है में एसेट लायबिलिटीज. बाकी फिर ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट है ड्राइंग्स है. इसमें हमें पहले कैपिटल फाइंड करना होगा कैपिटल एट स्टार्ट कैपिटल एट एंड इसके बाद प्रॉफिट लॉस फाइंड होगा. कैपिटल एट स्टार्ट कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. यहाँ पर एसेट्स कौन कौन से हैं कैश है 32,000 अकाउंट रिसीवेबल 80,000 मर्चेंडाइज इन्वेंटरी 10,000 ऑफिस इक्विपमेंट डेल है इसके बाद मशीनरी 4 लाख अकाउंट्स पेबल 62,000 माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000 बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000 इसका कैलकुलेट करें सर 4 लाख 90,500 गलत लग रहा है 5
500 तो आएगा ही नहीं, 500 की कोई फिगर नहीं है इसके अंदर। पुलिस क्या रहे हैं? पुलिस आ जाएगा कैपिटल एट। एच क्या हो गया, प्लस माइनस करना भूल गए। बुलेट 10 मुझे सही लग रहा है। 10,000 आप कैपिटल एट टेंट थाउजेंड 120,000 3,000 लैक 6 लैक माइनस 1,30,000 माइनस 3,000 ये कितना आ गया? अरे 7 लाख। अब प्रॉफिट लॉस फाइंड करेंगे, इक्वेशन लगता है पी इक्वल्स टू आई प्लस पी माइनस सी। कैपिटल हो गया आपका एंड वाला 7 लाख माइनस 4 लाख 10,000। ड्रॉइंग्स कितनी है? ये 40,000 की ड्रॉइंग्स है माइनस एडिशनल इन्वेस्टमेंट 60,000। प्रॉफिट कितना आ रहा है सम करें? 2,90,000। टू लैख 70,000 प्रॉफिट आ जाएगा। 2 लैख लैख 70,000 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4। लिखा ऑन जनवरी 1, 2000 टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ मिस्टर आफ्ताब अ सोल ट्रेडर वर 1,35,000 एंड 45,000 रिस्पेक्टिव। ये तो ओपनिंग बैलेंस दे दी ना, एसेट लाइबिलिटीज के ओपनिंग बैलेंस। अप टू डिसंबर 31, 2000 टोटल एसेट्स इंक्रीज्ड बाय 65,000 and total liabilities decreased by 20,000. Withdrew 30,000 for personal use and made additional investment of 20,000 during the year. इसमें भी हमें पहले capital at start और capital at end find करना होगा, उसके बाद profit loss calculate करें। Capital at start assets एसेट्स कितने स्टार्ट पे? एसेट्स हैं 1,35,000 के माइनस लाइबिलिटीज हैं 45,000। कितना जाएगा? 90,000।
90,000 हो गया आपका कैपिटल एड, करते हैं कैपिटल एड एंड अब आपके एसेट्स एट एंड कितने होंगे और लाइबिलिटीज का एंडिंग बैलेंस बताएं क्या होता है। देखिए कलेक्ट अप टू December 31, 2000 टोटल एसेट्स इंक्रीज्ड बाय 65,000। हां ये 135,000 में 65,000 ऐड हो जाएंगे। 135 स्टार्ट पे थे, इंक्रीज हो गए 65,000 से, तो ऐड कर लेंगे ना। अच्छा एंड टोटल लायबिलिटीज डिक्रीज्ड बाय 20,000, 45,000 में से 20,000 तब एसेट कितने देंगे टोटल आपके 2 लाख माइनस लाइबिलिटीज 25,000 कितना आ जाएंगे कैपिटल 1,75,000। करते हैं E equals to I plus D minus वैल्यूज पुट करते हैं कैपिटल एट एंड है आपका 175,000 माइनस कैपिटल स्टार्ट 90,000 प्लस ड्रॉइंग्स कितनी अब ड्रॉइंग्स हैं 30,000 एडिशनल इन्वेस्टमेंट 20,000 डिफरेंस निकालें कितना बन रहा है 175,000 और 95 प्लस 30 माइनस भी आ जाएगा प्रॉफिट 95,000 प्रॉफिट आ गया 95,000 नंबर फाइव थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। Marigold company had an increase in total assets of 48,000 and a decrease in total liabilities of 6,000 during the year. Owner made no additional capital contribution but withdrew 6,000 during the year. Profit. अच्छा अच्छा data है. Formula लगाते हैं P equals to I plus D minus Against में आपको वो क्या बता रहा है कि एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं 48,000 से, लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही हैं 6,000 से, फिर क्या होगा? बाकी एडिशनल विड्रॉइंग्स ही हैं, एडिशनल कैपिटल लाएंगे। तब हमें क्या निकालना है? आई आई फाइंड करना है चेंज इन कैपिटल। अच्छा इसमें हम कैपिटल तो फाइंड नहीं कर सकते, स्टार्ट और एंड फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि बैलेंस ही नहीं दिए हुए।
अब डायरेक्ट इसमें हम चेंज इन कैपिटल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। 40 एसेट्स आपके 48,000 से इंक्रीज हो रहे हैं, एसेट इंक्रीज हो रहे हैं तो आपके नेट एसेट्स भी इंक्रीज होंगे, कैपिटल भी इंक्रीज होगा। लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही हैं तो आपके नेट एसेट इंक्रीज हो। नहीं समझ पे समझा दो, देखें आपके नेट एसेट्स हैं, सपोज करते हैं एग्जांपल से समझते हैं, नेट एसेट्स का एसेट माइनस लायबिलिटीज, एसेट सपोज कर लें आपके हैं 2.5 लाख के और लायबिलिटीज हैं आपकी लाइक, नेट एसेट्स कितने होंगे 3 लाख हो जाएंगे। अब अगर आपके एसेट्स इंक्रीज हो जाते हैं ईयर एंड तक, आपके एसेट्स अगर इंक्रीज होते हैं तो नेट एसेट्स पे क्या इफेक्ट आएगा, इंक्रीज होगा ना। अगर ये 5 लाख से 6 लाख हो जाए तो नेट एसेट्स, एसेट इंक्रीज होंगे तो नेट एसेट भी इंक्रीज, तो इट मीन्स एसेट और नेट एसेट्स हो गए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एसेट डिक्रीज होंगे तो नेट एसेट भी डिक्रीज होंगे। अच्छा लाइबिलिटीज पे आते हैं, लाइबिलिटीज अगर आपकी इंक्रीज हो गई ये 2 लाख से 3 लाख हो जाए तो नेट एसेट्स कम हो जाएंगे, और लाइबिलिटीज डिक्रीज हो जाए ये 2 लाख से 1 लाख रह जाए बढ़ जाएंगे। इट मीन्स आपके लाइबिलिटी और नेट एसेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सही। अच्छा अब क्वेश्चन में हमें आई फाइंड करना है, तो अब हम देखते हैं इसमें क्या चेंज आ रहा है। यहाँ पर क्या है, एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, एसेट्स इंक्रीज होंगे तो नेट एसेट्स भी इंक्रीज होंगे, लेकिन प्लस 48,000 कर देते हैं। और लाइबिलिटीज में क्या चेंज आ रहे हैं, इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटीज डिक्रीज होंगी तो नेट एसेट इंक्रीज होंगे प्लस, हम गाइड कर लें 54, आई हो जाएगा आपका 54,000। दोनों के इफेक्ट सेम आ रहा था ना, एसेट इंक्रीज हो रहे थे तो आपके नेट एसेट भी इंक्रीज हुए, लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही है, लाइबिलिटीज डिक्रीज होंगी तो नेट एसेट इंक्रीज हो, हाँ 6,000 से नेट एसेट इंक्रीज हो जाएंगे, दोनों में इंक्रीज आ रहा है इफेक्ट, तो टोटल इफेक्ट क्या हुआ 54,000 का इंक्रीज। अब यहाँ पे लिखते हैं हम, आई हो जाएगा आपका 54,000, ड्रॉइंग्स ऐड करते हैं, ड्रॉइंग्स कितनी है 6,000, एडिशनल इन्वेस्टमेंट लेस होगी, नो एडिशनल इन्वेस्टमेंट जीरो, प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास 60,000। इसको जरा और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करता हूँ, अब इसी को अप्लाई करते हैं क्वेश्चन 4 पे। यहाँ पे इसकी वर्किंग भी हमारी शॉर्ट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे हमने आई कितना फाइंड किया था, आई क्या था हमारा 85,000 आ रहा था ना, यहाँ देखें आई कितना था 85। अब इसी शॉर्टकट से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ देखिए आपके एसेट्स में क्या चेंज आ रहा था, एसेट्स स्टार्ट में थे 1,35,000 के, ईयर एंड पे आपके एसेट्स कितने हो गए इंक्रीज बाय 65, एसेट इंक्रीज हो रहे हैं तो नेट एसेट्स भी इंक्रीज होंगे, ठीक है। लायबिलिटीज में क्या चेंज आया था, लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है, लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है तो नेट एसेट्स इंक्रीज होंगे, टोटल चेंज कितना है इंक्रीज ऑफ 85,000, आई कितना आ गया 85,000, और यहाँ हमने कितना कैलकुलेट किया था, यहाँ भी 85 ही आ रहा था, अब भी 85 आ रहा है, ये एक शॉर्टकट हो गया आई कैलकुलेट, ये हम शॉर्टकट अपना क्वेश्चन 4 में भी अप्लाई कर सकते हैं, ये ऊपर वाली कैलकुलेशन हमें करना नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये अब आप कॉपी कर रहे हैं रिकॉर्डिंग, आप
क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपको क्रेडिटर्स बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है जी। और इसमें आपको ये क्रेडिट परचेज फाइंड करनी है सेवन में, इसमें हम बनाएंगे अकाउंट्स पेबल का। अकाउंट्स पेबल अकाउंट बनेगा, पेबल्स का ओपनिंग बैलेंस, पेबल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ यहाँ पे 3,676.36। पेबल का ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट 3,676। ये बहुत अच्छी पेड 38,765 टू क्रेडिटर्स, डेबिट हो जाएगी पेमेंट 38,765 765। कैश रिटर्न आउटवर्ड्स, परचेज रिटर्न 1,098,1,098, परचेज परचेज रिटर्न रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न के बाद हर क्रेडिटर्स है 28,500 बैलेंस आ गया आपका पेबल का क्रेडिट ऑन 7,87। परचेजेस फाइंड करनी है तो पेबल्स अकाउंट में परचेजेस आती हैं क्रेडिट साइड पर, फाइंड करनी है डेबिट साइड का टोटल करें 40,750 माइनस करें इसमें से बीडी बैलेंस 37,000 क्रेडिट परचेज आ गई 37,074। राइट, अच्छा इसमें रिक्वायरमेंट चेंज है, इसमें क्रेडिट सेल्स नहीं टोटल सेल्स फाइंड करनी है। कहाँ 55 है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, ये है कि आगे क्या है 15,000 रिलेट्स टू कैश सेल्स, 15 माइनस किया हमने, ये 40,000 आया, ये 40 लिखा है ना, 40 आ गया। आगे क्रेडिट साइड का टोटल क्या 80,000, 80,000 80 में से 30,000 माइनस किए क्रेडिट सेल्स आ जाएंगे 50,000। अब इसमें हमें फाइंड करनी है टोटल सेल्स, तो कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स को ऐड करें टोटल सेल्स आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो टी अकाउंट से हमें मिलेंगे क्रेडिट सेल्स, उसमें हम ऐड करेंगे कैश सेल्स, तो आ जाएंगे टोटल सेल्स। आंसर तो सेम आ जाएगा, यहाँ पे अगर आप 55,000 लिख दें आंसर सेम आ जाएगा, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअली गलत हो जाएगा ना, कि रिसीवेबल के अकाउंट में कैश सेल्स नहीं आती, कैश सेल्स की एंट्री क्या होती है, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट और सेल्स क्रेडिट होती है, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, तो रिसीवेबल में कैश सेल्स की एंट्री नहीं आती। अगर यहाँ पे आप 40,000 की जगह 55,000 लिखते हैं तो आंसर तो आपको आ जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअली गलत हो जाएगा। अच्छा किट में आप देखेंगे उसने ये किया, यहाँ पे उसने किट में 55,000 लिखा हुआ है और ये सेल्स की जगह 65,000 आ, आंसर क्या तक तो ठीक है लेकिन कॉन्सेप्चुअली गलत होता है।
क्योंकि कंट्रोलर रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट में कैशेस नहीं है। हाँ टेक्निकल से गलत है, कॉन्सेप्चुअली गलत है, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर टेन में आपको कैश और बैंक का रिकॉर्ड दिया हुआ है, इसमें हमें ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर फाइंड करनी। अच्छा ड्रॉइंग्स आप देंगे, कैश के कॉलम में क्वेश्चन मार्क है, बैंक के कॉलम में डैश डाला हुआ है। इट मीन्स हमने कैश ड्रॉइंग्स किए, बैंक से ड्रॉइंग्स नहीं किए, ठीक। लेकिन इसमें हम बनाएंगे दोनों टी अकाउंट, कैश का टी अकाउंट बनाते हैं और एक बैंक के, दो टी अकाउंट बनाते हैं। अच्छा भाई बैंक अकाउंट क्यों बना रहे हैं, इसकी रीजन मैं आपको बताऊंगा अभी। ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं पहले, ये लास्ट सेकंड लास्ट में ओपनिंग बैलेंस, कैश का ओपनिंग है 35, बैंक का ओपनिंग बैलेंस 1200, इक्विटी बैलेंस 35, बैंक का ओपनिंग बैलेंस 1200, अब क्लोजिंग बैलेंस है 50 और 1670, बैलेंस लिख लेते हैं और 16। बाकी ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं, कार्ड यहां से लेते हैं, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स 7250, कैश क्रेडिट हो जाएगा 7000, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल। डेटर्स कौन होते हैं, क्रेडिट कस्टमर आ रहे हैं ना सब। अच्छा अब चेक हमने रिसीव कितने हुए, 800 के, 800 से बैंक क्रेडिट हो जाएगा। के बाद पे टू सप्लायर, अच्छा एक मिनट, मैंने क्या किया, सिर्फ डेबिट होंगी ना, कैश डेबिट 7000, बैंक डेबिट 800, उसके बाद पेमेंट है पे टू सप्लायर 320, कैश क्रेडिट होगा 320 और बैंक से पेमेंट हो रही है 4930, बैंक भी क्रेडिट हो जाएगा। ड्रॉइंग्स है, यहाँ पे ड्रॉइंग्स लग जाता है, ड्रॉइंग्स हमें फाइंड करनी है, बैंक से कोई ड्रॉइंग्स नहीं है तो उसको छोड़। उसके बाद एक्सपेंसेस पेड 150 क्रेडिट और बैंक से कितनी पेमेंट्स 900 पे हो रहे हैं, बैंक क्रेडिट हो गया। कंप्लीट क्वेश्चन क्वार्टर बैलेंस। अच्छा देखिए पहले तो क्वेश्चन ये इसके अंदर कि तो ड्रॉइंग्स कैश की मालूम करनी है ना, कैश से हमने ड्रॉइंग्स किए हैं, बैंक अकाउंट क्यों बनाया, इसकी क्या रीजन है। बाजार तो जरूरत नहीं है लेकिन बाजार पर कुछ चीजें हिडन होती हैं, क्योंकि इसमें हमें ये तो बता दिया ना कैश, अच्छी एक और ट्रांजेक्शन रह गई ऊपर वाली, कैश पेड इनटू द बैंक ड्यूरिंग द ईयर, कैश क्रेडिट 5500 और बैंक हो जाएगा डेबिट 5500, क्योंकि इसमें हमें ये तो बता दिया ना कैश पेड इनटू द बैंक ड्यूरिंग द ईयर। अब ये भी तो हो सकता है कैश विड्रू फ्रॉम बैंक ड्यूरिंग द ईयर, वो मेंशन नहीं है, ठीक है। तो वो चेक करने के लिए हम बनाएंगे, पहले बैंक अकाउंट हमने बनाया तो पहले हम बैंक अकाउंट को क्लोज करेंगे और ये चेक करते हैं कि बैंक से हमने कैश विड्रॉ किया या नहीं किया, उसके बाद कैश अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो पहले हम बैंक अकाउंट का क्लोज करते हैं, बैंक अकाउंट को क्लोज करते हैं, बैंक अकाउंट करेंगे, डेबिट का टोटल आ रहा है 7500 और क्रेडिट का टोटल भी आ रहा है 7500, दोनों साइड का टोटल सेम है, मींस हमने बैंक से कैश विड्रॉ नहीं किया। अगर सपोज करेंगे डेबिट साइड का टोटल होता आपका 8000, क्रेडिट साइड का टोटल आता 7500, मतलब कि हमने 500 कैश विड्रॉ किया, ये बैंक क्रेडिट हो जाता और कैश अकाउंट डेबिट होता 500, क्योंकि अभी यहाँ पर फिलहाल दोनों साइड बैंक की इक्वल है, तो इट मींस हमने बैंक से कोई कैश विड्रॉ नहीं किया, बैंक अकाउंट
बिजनेस यूज के लिए, विड्रॉ फॉर बिजनेस यूज। अब कैश अकाउंट क्लोज करते हैं, ये डेबिट साइड का टोटल आएगा 7285। अब इसमें से क्रेडिट साइड ये माइनस करें, आपके पास बैलेंसिंग फिगर आएगी और ये हो जाएंगी हमारी कैश ड्रॉइंग्स। डिफरेंस निकालें कितना आ रहा है, 1265। ये हो गई आपकी कैश ड्रॉइंग्स, कॉपी कर लें। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 रीड कर लें। बिजनेस मेक सेल्स विद अ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 30%। अच्छा पहले जरा मार्क की बात कर लेते हैं, मार्कअप मार्जिन की क्या होते हैं, और ये होते क्या है, मार्कअप मार्जिन होते क्या है, प्रॉफिट प्रॉफिट बोले प्रॉफिट 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 नापने के लिए, तोलने के लिए, मतलब प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करने के लिए मार्कअप मार्जिन यूज। ये कह लेंगे प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके, इन टर्म्स ऑफ मार्जिन भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इन टर्म्स ऑफ मार्कअप। अच्छा थोड़ा सा समझ लेते हैं, रिविजन हो जाएगा। सपोज करेंगे एग्जाम्पल जिसको समझते हैं, सेल्स है आपकी 10,000 की, कॉस्ट है आपकी 8,000, प्रॉफिट 1,000 होगा। प्रॉफिट है कितना है, 2,000। ओके अब आपको इसमें आपने करना क्या है, आपको जर प्रॉफिट परसेंटेज अगर कैलकुलेट करनी हो तो क्या कैलकुलेशन होगी, आप कह रहे हैं कि फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रॉफिट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय सेल्स, ये कितना आएगा कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट है 2,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय सेल्स है 10,000, तो प्रॉफिट परसेंटेज आपकी बन जाएगी कितनी, 20%। और कोई तरीका प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करने का, कॉस्ट से डिवाइड करते हैं। अभी जो 20% आ रहा है ना, 20% किसका, 20% 20% ऑन सेल्स है ना, सही है। अच्छा दूसरा तरीका क्या है कि प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 करें डिवाइडेड बाय कॉस्ट करें, प्रॉफिट है आपका 1,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस्ट है 8,000 डिवाइड करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज आएगी 25% ऑफ ऑन कॉस्ट, सही क्या। हाँ। जो आपकी कॉस्ट है 8,000, इस पे आपने प्रॉफिट कितना रखा, 25%, तो 10,000 हो गए ना। ये आपकी कॉस्ट कितनी थी, प्रॉफिट निकाले आप कितना, 25% कितना बना, 8,000 का 25%, 2,000 सेल्स कितनी हो गई आपकी, 10,000। यस सर, और कैलकुलेशन इसी तरह होती है ना, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड होता है तो सेलिंग प्राइस होती है, सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट माइनस करके कॉस्ट नहीं निकालते हैं। या तो कोई चीज आप मैन्युफैक्चर करते हैं या कोई चीज आप बाय करते हैं तो पहले आपकी कॉस्ट एंकर होती है, फिर तो उसमें प्रॉफिट इंक्लूड करते हैं तो आपकी सेलिंग प्राइस बनती है ना, सही है ना। एक्चुअल में तो यही होता है, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड होता है तो सेलिंग प्राइस, सही है। अच्छा अच्छा ये कहेंगे हमने दो तरह से प्रॉफिट परसेंटेज निकाली, तो ये जो हमने निकाला 20% ऑन सेल्स, इसको क्या कहेंगे आप, मार्कअप मार्जिन, प्रॉफिट ऑन सेल्स है ना, प्रॉफिट ऑन सेल्स को हम कहते हैं, और ये मार्कअप हो जाएगा। देखिए अगर एक शख्स कहता है कि मुझे सेलिंग प्राइस पर 20% प्रॉफिट हुआ और दूसरा कह रहा है मुझे कॉस्ट प्राइस पर 25% प्रॉफिट, कौन गलत है कौन सही है,
ये दोनों सही है, दोनों सही है। हाँ बस दोनों सही है, गलत कोई भी नहीं है, बस एक मार्कअप पे कैलकुलेट कर रहा है, एक मार्जिन पे चल रहा तो नहीं है। अब आप देखिए 10,000 का 20% निकालें, 8,000 का 25%, ठीक है। तो ये मार्कअप मार्जिन क्या है, प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके, ठीक है, और आंसर दोनों में सेम आता है। एक शख्स कहता है मुझे सेलिंग प्राइस पर 25% प्रॉफिट हुआ, दूसरा कहता है मुझे कॉस्ट प्राइस पर 25% प्रॉफिट हुआ, तो बात एक ही है, दोनों सही है, दोनों का प्रॉफिट भी सेम है। मार्कअप मार्जिन क्या है, प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके। अच्छा एक पॉइंट और लिखेंगे इसमें। अच्छा मार्जिन में क्या होता है, सेल्स आपकी 100% होती है, सेल्स 100% होगी, प्रॉफिट यहां पर कितना हमने कैलकुलेट किया, 20%, कॉस्ट 80% हो जाएगी ना, सेल्स माइनस प्रॉफिट इक्वल्स टू कॉस्ट होता है। अच्छा मार्कअप में क्या होगा, कॉस्ट 100% हो जाएगी, प्रॉफिट 25%, सेल्स हो जाएगी आपकी 125%। इसको भी याद रखना, ये कैलकुलेशन आगे यूज। कॉपी करें नंबर 11, क्वेश्चन 11 सॉल्व करते हैं। 11 इसको रीड कर लेते हैं। बिजनेस मेक सेल्स विद अ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 30% एट 1st April, द स्टॉक वाज वैल्यूड एट 2600 एंड एट March 31st 3800। अच्छा ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। अच्छा ड्यूरिंग द ईयर सेल्स टोटल 80,800, सेल्स आ गई। फाइन क्या करना है, रिक्वायर्ड है व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, परचेजेस। अब देखिए ये ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स गिवन है और ऊपर प्रॉफिट मार्जिन है, परचेजेस फाइंड करनी है। अच्छा अभी हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे 6, 7, 8, उसमें तो हमने अकाउंट्स पेबल कंट्रोल अकाउंट बनाया था और उससे हमने परचेजेस फाइंड की थी। अब यहाँ क्या कैलकुलेशन होगी, अब यहाँ पे कंट्रोल अकाउंट तो नहीं बनेगा, सेल्स का डी अकाउंट भी नहीं बनेगा, नहीं। यहाँ पे हम यूज करेंगे अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वर्किंग, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन यूज करते हुए परचेजेस निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन क्या होती है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हम यहाँ सेल से फाइंड कर लेंगे ना, परसेंटेज अप्लाई करके निकाल लेंगे, बाकी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेजेस आ जाएंगे, इसको लिख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, जब के पास क्या आती है, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाती है ना, फॉर सेल माइनस करेंगे इसमें से क्लोजिंग स्टॉक, बस आएगी कॉस्ट ऑफ COGS का देता है, COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है, ठीक है। लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक कितना है, पहले स्पोर्ट करते हैं, ओपनिंग स्टॉक है 2600, परचेजेस हमें फाइंड करनी है, ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस ऐड होती है तो आपके पास आएंगे गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक कितना है 3800 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। अच्छा अब हमें परचेजेस फाइंड करनी है, तो इसके लिए हमें पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करना होगी, रिवर्स कैलकुलेट करके परचेजेस फाइंड हो जाएंगे, ठीक। अच्छा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए हम यूज करेंगे सेल्स को, सेल्स कितनी है 80,800 और यहाँ इसने मार्जिन दिया है, मार्जिन ऑफ 30%। अच्छा मार्जिन में क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ, मार्जिन में मार्जिन आपकी सेल्स 100%, प्रॉफिट कितना है 30% है ना, कॉस्ट कितनी होगी 70% माइनस,
अब हमें यहाँ देखें फाइंड क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसका 70 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी 5650। यहाँ पुट करते हैं 5650 और आप रिवर्स कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्लोजिंग स्टॉक प्लस हो जाएगा, आ रहे ऐड करें अब इसमें से ओपनिंग स्टॉक माइनस करेंगे, आपके पास परचेजेस आ जाएंगे 57,760। कॉपी कर लें।